मानसून की पहली ही बारिश ने जहां शहरवासियों को गर्मी से राहत दिलाई है, वहीं प्रशासन द्वारा करवाए गए विकास कार्यों की भी पोल खोल के रखती है। आज सुबह हुई बारिश की वजह से सरकारी राजकीय वरिष्ठ स्कूल की गिरी दीवार 3 महीने पहले ही नहीं बनाई गई थी। ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री लगाने का मामला सामने आया है। शहरवासी विजेंद्र और सुरेश ने बताया कि प्रशासन द्वारा बनाई बारिश पहली ही बारिश में गिर गई है। बारिश में गिरी दीवार से पता चलता है कि इसमें कहीं ना कहीं घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। शहर में थोड़ी ही बारिश के कारण 4 से 5 फुट पानी भर जाता है, जिसके कारण गांव से शहर आने वाले ग्रामीणों को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी भाई साहब, नाम बताएं अपना। बजिंदर जी बताएं, क्या मामला, क्या दिखाई देता आपको? ये मेरे को लग रहा है घटिया मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया गया है। नहीं, 2 महीने में अभी तो बनाई थी दीवार, 2 महीने में ऐसे कैसे गिर सकती है दीवार? तो किसके द्वारा बनाई गई मकान दीवार? ये दीवार प्रशासन ने बनाई होगी, ठेकेदार ने घटिया सामग्री इस्तेमाल करी है इसमें। आप देख रहे होंगे ऐसे कैसे सारा मतलब बह गया इसमें, ईंटें सारी बिगड़ी पड़ी हैं, तो ऐसे थोड़ा गिर जाएगी 2 महीने के अंदर, कैसे गिर सकती है दीवार? इसकी जांच होनी चाहिए कि कैसे गिरी है, क्या ऐसे। तो मतलब पैसा तो जनता का ही है जो यूज हो रहा है यहाँ पे, और ऐसे 2 महीने में दीवार गिर जाएगी तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तो क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? इसकी जांच होनी चाहिए कैसे गिरी है, क्या घटिया मटेरियल था इसमें, या किस कारण गिरी है, इसकी जांच होनी चाहिए। जी जी बताएं, जो अंडरपास के बारे में क्या कहना है? आज पहली बारिश हुई है, और पहली बारिश में ही 40 गांवों का रास्ता पूरी तरह से बाधित रहा, और वहाँ अंडरपास पे की सामाजिक संस्थाओं ने कितने आंदोलन किए, जो पिछले यहाँ MP थे उनका भी घेराव किया, अर्धनग्न प्रदर्शन किया, हस्ताक्षर अभियान चलाए, सभी पंचायतों का रेजुलेशन दिया। आखिर में मिला क्या हमारे को? पूरी तरह से जो ड्राइंग शीट थी, इन लोगों ने बनाते वक्त ये क्यों नहीं सोचा कि यहाँ पर पानी को निकासी भी होगी? थोड़ी सी बरसात होने पर इतना ज़्यादा पानी, और वहाँ पर पूरे 40 गांवों का आवाजाही बंद, ये कब तक चलेगा? तो क्या मांग आपकी? हमारी यही मांग है कि जो व्यवस्था इन लोगों ने की है उस अंडरपास के नीचे, तो उस व्यवस्था का पानी का निकासी का प्रबंध पहले क्यों नहीं किया? और अब आगे ये अभी तो बरसात शुरू हुई है, क्या रोजाना ही ये लोग पाइपों से पानी निकालते रहेंगे? रोजाना ही हमारे 40 गांवों के लोग दुखी होते रहेंगे? तो पूरी तरह से ये सरकार के अधिकारियों की नाकामी है। उन्होंने, मुख्यमंत्री ने आकर के इसका उद्घाटन किया और पूरी तरह से अंडरपास बना करके तैयार किया, पर मिला कुछ नहीं, वहाँ पर पानी ही पानी मिला। जी, मेरे ध्यान में आया है ये मामला, और मैंने खुद भी जाके मौके पे देखा है। दरअसल वो जो दीवार है पहले भी वो गिर गई थी, उसके बाद हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से बढ़िया मेटेरियल्स में लगा के वो दीवार बनवाई थी, लेकिन ये जो है ये केवल एक प्राकृतिक आपदा है। इसमें मेटेरियल का बहुत अच्छा मेटेरियल, कोई भी अधिकारी कर्मचारी, कोई भी जनता, कोई भी उसकी जाँच कर सकता है। हम इस बारे में बड़ा कॉन्फिडेंट हैं। इसके लिए मैंने अभी जो है अपने जो कनिष्ठ अभियंता है उनको निर्देश दे दिए कि ठेकेदार के ही रिस्क हैं, कोस्ट पे जैसे ही वो बारिश ख़त्म होती है सूखते हैं तो उसको हम ठीक करवाएंगे। तो संभावना है, हो सकती है कि कोई, हो सकता है कि रात में कोई वाहन ना टकराए, क्योंकि वो काफ़ी मजबूत है और उसमें बीम वगैरह प्रॉपर नीचे से बीम वगैरह उठाकर उसको बनाया गया है। तो एक प्राकृतिक आपदा ही हम इसे है, ये जो मुझे लगता है। लेकिन इसके ग्राउंडा से सुरेंद्र पंचाल, अजार TV न्यूज़।